गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो मैग्नेटिज्म से है ना। सो मैग्नेटिज्म का एलिमेंट्री पार्ट इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद उसके एडवांस लेवल पे भी कवर करेंगे कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स उसमें क्या क्या है। सो ध्यान से देखो इसको। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले तो तुम्हें ये जानना है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का मेन सोर्स क्या है। तो तुम जब चार्ज पार्टिकल को देखोगे, इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट देन इट विल जनरेट ओनली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन द चार्ज पार्टिकल इज इन मोशन then it will generate the magnetic field as well as electric field. So it will generate electric field plus magnetic field. हम लोग B symbol use कर रहे हैं magnetic field के लिए। लेकिन अगर ये charge particle accelerated है then it will generate the EM waves. So this will generate electromagnetic waves. Electro magnetic वेव्स, तो ये ईएम वेव्स को जनरेट करते हैं जिसको हम लोग ईएम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, दिस इज ईएम वेव्स। तो ये तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने का अगर तुम सोर्स देखोगे तो ये सोर्स क्या है, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज पार्टिकल के कारण जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट देखना, इसी का अगला कंसेप्ट है, अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करते हो, जैसे मान लो कोई ये चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसे तुम वी स्पीड प्रोवाइड किए और ये किसी ऐसे स्पेस में मूव कर रहा है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही फील्ड प्रेजेंट है। तो सपोज हम लोग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, लेट दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही इस पे क्या लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट कर रहा है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या करता, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज पार्टिकल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज लॉरेंज फोर्स। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसको डिफाइन कर दे रहे हैं, दैट इज योर लॉरेंज फोर्स। तो फोर्स, लॉरेंज फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एफ इज इक्वल्स टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है वो क्यू इंटू ई के इक्वल होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स विल बी क्यू टाइम्स ई प्लस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स होगा उस फोर्स को क्या लिखोगे, क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। तो इस फॉर्मूले में इसे ही हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, जिसमें ये है तुम्हारा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज एफ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। अब चूंकि इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्यूई फोर्स के बारे में बहुत ज्यादा स्टडी कर चुके हैं, सो अभी हम केवल मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स को हाईलाइट करेंगे। मतलब हम एक ऐसा स्पेस कंसीडर कर रहे हैं जहां पे केवल मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, जीरो। सो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू जीरो देन दिस लॉरेंज फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स वी क्रॉस बी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल, है ना। अब हम लोग पहले इस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये फोर्स मैग्नीट्यूड में कितना होगा और इसके डायरेक्शन किस साइड से होंगे। तो हम लोग इसके डायरेक्शन को और मैग्नीट्यूड को अलग अलग वे में एक्सप्लेन करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स का फॉर्मूला था
एफ इज इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई वी क्रॉस बी। अब इस फोर्स फॉर्मूले में इस फोर्स का डायरेक्शन भी है एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा। तो इफ यू हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो यहां पे देखो इस फोर्स वाले फॉर्मूले में जो तुम्हारे पास डायरेक्शन है उसका मेन कंपोनेंट वी क्रॉस बी वेक्टर है एंड क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग डायरेक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं, वैसे तुम लोगों को आता होगा, बस हम रिवाइज करवा रहे हैं इस पार्ट को। सो इफ यू हैव टू वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी और इनके बीच का एंगल कितना है थीटा। अब हमें ए क्रॉस बी को डिफाइन करना है। सो इफ यू फाइंड द ए क्रॉस बी वेक्टर, देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा एंड देन द एन कैप। यहां पे ए बी साइन थीटा ये पार्ट क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर का, बी बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है। दिस एन कैप इज द यूनिट वेक्टर जो कि हमें डायरेक्शन बताता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा। अब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग 11th के टॉपिक में पढ़े हैं राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल, बहुत सारे रूल्स हैं, बट वी विल कंसीडर हियर द लेफ्ट हैंड पाम रूल। लेफ्ट हैंड पाम रूल क्या कहता है, ध्यान दो, जो पहला वेक्टर है पहले वेक्टर की साइड अपने लेफ्ट हैंड के इस फिंगर वाले डायरेक्शन को पुट करोगे और दूसरे वेक्टर के साइड हम लोग क्या करेंगे, इस थंब को प्लेस करेंगे। जैसे मेरे एग्जाम्पल के लिए मान लो ए वेक्टर ऐसे है, तो मेरा पहला वेक्टर जो है ये लाइन इस डायरेक्शन में होगा। अगर ए वेक्टर ऊपर होगा तो हम लोग इस एरो को यानी इस फिंगर वाले डायरेक्शन को अपवर्ड रखेंगे। दूसरे वेक्टर के साइड हमें इस थंब को रखना है, देन पाम का डायरेक्शन जिस साइड आएगा वही डायरेक्शन तुम्हारा क्या कहलाएगा, एन कैप का डायरेक्शन। सपोज मेरा पाम ऐसे आया तो पाम इस डायरेक्शन में दिख रहा है तो एन कैप का डायरेक्शन इधर होगा। पाम अगर ऐसे आया यानी डाउनवर्ड तो एन कैप का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, पाम ऐसे है तो अपवर्ड है। अब ध्यान दो, यहां इस एग्जांपल में हम लोग अपने हैंड को रोटेट करके बताते हैं, ए वेक्टर इस साइड बी वेक्टर अपवर्ड, सो ए वेक्टर तुम्हारा क्या है, पहला वेक्टर। सो अपने लेफ्ट हैंड का ये पार्ट पहले वेक्टर ए के साइड ऐसे रखो, ए ऐसे आ गया। बी वेक्टर दूसरा वेक्टर है और इसके डायरेक्शन में मेरा ये थंब होना चाहिए। अब थंब को इस साइड रखने के लिए क्या करोगे, अब ऐसा नहीं है कि थंब तुम ऐसे रोटेट करो तो ये थंब तुम्हारा फ्लेक्सिबल है तुम ऐसे बेंड करना है, थंब को तुम्हें इस पाम वाले प्लेन में रिजिड कंसीडर करना है कि ये नीचे या ऐसे नहीं हो सकता। तो तुम इस पोर्शन को रोटेट करके थंब को दूसरे वेक्टर के साइड लेके जाओगे। तो पहला वेक्टर इस साइड आया, दूसरे वेक्टर के साइड मेरा ये थंब होना चाहिए, तो हम इस हैंड इसके अबाउट हैंड को रोटेट कर रहे हैं, सो ऐसे रोटेट करो। अब मेरा थंब इस साइड चला गया, तो फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर, पाम का डायरेक्शन बाहर की ओर है, सो वी राइट द एन कैप डायरेक्शन इज आउटवर्ड। तो यहां जो एन कैप है इसका डायरेक्शन जो है वो बाहर की ओर आया, ए क्रॉस बी इज आउटवर्ड। अब अगर हम बी क्रॉस ए निकालते, यहां पे हम लोग आउटवर्ड लिख रहे हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन को हम लोग डॉट सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो कोई भी चीज अगर इस प्लेन से बाहर आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट, डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड। एंड कोई भी चीज अगर बोर्ड के अंदर जा रहा होगा तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्रॉस से। सो यहां पे क्रॉस यूज करते हैं, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, सो आउटवर्ड एंड इनवर्ड। तो यहां पे एन कैप बाहर आया, सपोज यू हैव कैलकुलेटिंग हियर बी क्रॉस ए, सो अगर तुम बी क्रॉस ए काउंट करोगे तो अब मेरा पहला वेक्टर क्या बना, बी, और दूसरा वेक्टर क्या बना, ए। सो अपने इस फिंगर वाले डायरेक्शंस को हम बी के डायरेक्शन में रखेंगे, बी का डायरेक्शन इस साइड है, सो मेरा ये वाला फिंगर इस साइड आ गया बी। ए के डायरेक्शन में मेरा ये थंब होना चाहिए, तो थंब ऐसे रोटेट नहीं करना है, पहले बोले थंब को तुम्हें इस प्लेन में रिजिड मानना है और इसके बाद इसके अबाउट हैंड को रोटेट करेंगे। अब मेरा थंब जो है ए के साइड आ गया, सो बी क्रॉस ए, पाम का डायरेक्शन अंदर की ओर है सो इट इज इनवर्ड। सो बी क्रॉस ए का जो डायरेक्शन है वो क्रॉस है, इनवर्ड। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। एक दो एग्जांपल और कवर कर लेते हैं ताकि तुम्हें डायरेक्शन, मैग्नेटिज्म में अगर तुम्हें डायरेक्शन आता है तो तुम हर चीज आसानी से कैलकुलेट कर लोगे इस चैप्टर का। सो एग्जांपल के लिए देखो, मान लो मेरे पास दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर इनवर्ड एंड बी वेक्टर जो है वो इस साइड है, ए एंड बी।
अब पहला वेक्टर तुमसे कहा कि फाइंड ए क्रॉस बी डायरेक्शन, ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ये तुम्हें कैलकुलेट करना है। तो अब यहां पे देखो पहला वेक्टर कौन बना, फर्स्ट वेक्टर इज ए एंड द सेकेंड वेक्टर इज बी। सो अपने लेफ्ट हैंड का ये वाला डायरेक्शन ए के डायरेक्शन में होना चाहिए। अब ए डायरेक्शन तुम्हारा इनवर्ड है तो मेरा जो ये फोर फिंगर्स है वो अंदर की ओर आना चाहिए ऐसे। अब ये पार्ट देखो ये इनवर्ड आ गया, बी के डायरेक्शन में थंब होना चाहिए, सो मेरा थंब इस साइड होगा, सो हम अपने हैंड को रोटेट करेंगे एंड नाउ थंब इज इन दिस डायरेक्शन। सो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, पाम का डायरेक्शन किधर है तुम्हारा, डाउनवर्ड। सो यहां जो ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन है दिस इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो ए क्रॉस बी वेक्टर यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब आई होप तुम्हें ये क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड लेके इस फोर्स का डायरेक्शन बताते हैं। ध्यान दो, सपोज यहां पे ऐसा स्पेस है जहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में तुम किसी चार्ज को थ्रो करते हो, लेट पॉजिटिव क्यू एंड यू आर थ्रोइंग द पॉजिटिव चार्ज इन दिस डायरेक्शन वी। सो वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल को थ्रो किए। अब इस पे तुमसे कहा कि फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो फोर्स का डायरेक्शन डिपेंड किस पे कर रहा है बताओ, v क्रॉस b पे, पहला वेक्टर v दूसरा वेक्टर b। तो वेलोसिटी की साइड हम अपने लेफ्ट हैंड के इस डायरेक्शन को पुट करेंगे, तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, सो मेरा ये डायरेक्शन इस साइड आ गया। अब b वेक्टर देखो किधर है, b वेक्टर इज इनवर्ड, तो मेरा ये थंब अंदर की ओर होना चाहिए। सो हम अपने इस लाइन के अबाउट हैंड को रोटेट करेंगे लेफ्ट हैंड को, और रोटेट करते हुए थंब को अंदर के लिए और लेके आए। तो ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर मतलब वी वेक्टर इस साइड, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनवर्ड, तो पाम का डायरेक्शन ऊपर आया, तो इस पे लगने वाला जो ये फोर्स है उसका डायरेक्शन इस साइड है, फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जैसे इस पार्टिकल को हम अगर ऐसे फेंके स्पेस में, तो अर्थ इसको नीचे पुल कर रहा है, तो इसका डेविएशन फोर्स के डायरेक्शन में बेंड किया, वेलोसिटी इस साइड है तो ये फोर्स के डायरेक्शन में बेंड हुआ क्योंकि एम जी फोर्स नीचे लग रहा है। अगर पार्टिकल को तुम इधर की ओर वेलोसिटी दो और फोर्स ऊपर लगे तो ये डेविएट इस डायरेक्शन में करेगा, फोर्स ऊपर लगा और ये इस डायरेक्शन में इसका डेविएशन होता। तो यहां पे भी अगर इस चार्ज पार्टिकल का तुमसे कोई डेविएशन पूछे किस पार्ट में ये डेविएट करेगा, वेलोसिटी साइड, फोर्स अपवर्ड, सो इट विल डेविएट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इस चार्ज पार्टिकल का मोशन है। सेकेंड देखो, सपोज हम लोग क्रॉस के जगह पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर ले लिए। अब इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को मान लो मैं ऐसे फेंकते हैं v इस डायरेक्शन में। अब हमसे कहा इस पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बताओ किधर होगा। तो जब तुम इस पे डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे तो डायरेक्शन पार्ट कैसे निकालेंगे, v क्रॉस b से। अब वेलोसिटी वेक्टर देखो किधर है, ऊपर, तो मेरा ये लेफ्ट हैंड डायरेक्शन इधर होना चाहिए, v इस साइड आ गया। b का डायरेक्शन बाहर है क्योंकि तो पहला वेक्टर v है, दूसरा वेक्टर b था, तो वेलोसिटी की साइड ये रखे, बी इज आउटवर्ड, सो तुम्हारा थंब बाहर होना चाहिए, थंब इज आउटवर्ड। सो वी क्रॉस बी, पाम का डायरेक्शन राइटवर्ड आया, तो इस पे फोर्स जो है वो राइटवर्ड लगा। अब इस फोर्स के कारण ये चार्ज पार्टिकल फोर्स के डायरेक्शन में डेविएट होगा, सो इट विल डेविएट इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ फोर्स, अ मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। एक एग्जाम्पल और बताते हैं जिसमें सपोज हम चार्ज पार्टिकल को निगेटिव लेते हैं। सो लेट द क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दिस इज फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एंड द थर्ड एग्जाम्पल। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है और तुमसे कहा कि तुम जो चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर रहे हो, लेट चार्ज पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। ये इलेक्ट्रॉन लेना था मुझे, सो सपोज दिस इज निगेटिव चार्ज और इसको हम लोग इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दिए, मान लो हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। अब इस पे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो ध्यान दो, अगर तुम किसी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकालते हो और एफ के आगे क्यू साइन है और इसका डायरेक्शन निकाले, हम लोग इस डायरेक्शन को फिक्स कर रहे हैं, क्यू के बारे में अभी कुछ भी नहीं देखे हैं। सपोज इसका डायरेक्शन आता है 10 टाइम्स i कैप, जस्ट सपोज 10 i इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आई। अब ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो इस पूरे का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होना है, लेकिन अगर इस चार्ज की वैल्यू तुम माइनस लगा दो तो क्या होगा, ये जो तुम डायरेक्शन निकाले हो उसमें ये माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में तुम
फोर्स का डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो उसमें अपोजिट डायरेक्शन, उसके जस्ट 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा फोर्स लगेगा अकॉर्डिंग टू दिस वन। तुम देख सकते हो अगर ये प्लस है तो फोर्स डायरेक्शन इज इन आई कैप, अगर ये माइनस है देन दिस विल बिकम द माइनस आई कैप, मैग्नीट्यूड जो भी हो बट द डायरेक्शन विल बी रिवर्स्ड। तो यहां पे हम इसको प्लस मानते हुए फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे और जो भी डायरेक्शन आएगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा होगा। तो देखो वी साइड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो वी क्रॉस बी फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड, बट निगेटिव होने के कारण जो अपवर्ड हम निकाले हैं वो डायरेक्शन डाउनवर्ड दिखाओगे। तो ये तुम्हारे फोर्स का डायरेक्शन आ गया और ये चार्ज पार्टिकल फोर्स के डायरेक्शन में ऐसे डेविएट होगा। तो आई होप तुम्हें ये फोर्स का डायरेक्शन पार्ट समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकाल लिए, अब इसके मैग्नीट्यूड पार्ट को डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। नेक्स्ट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो अगर तुम्हें फोर्स को लिखना हुआ देन वी राइट फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ वी क्रॉस बी, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखो, सो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स, अब ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, सो वी राइट वी बी साइन थीटा एंड देन एन कैप, ये वैल्यू आता लेकिन हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल, सो वी गेट द फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन एंड थीटा, ये हम लोगों का फोर्स आया। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल। अब इस फोर्स के कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान से देखो। फोर्स वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो क्या था, वी और बी दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। तुम अभी ए क्रॉस बी पढ़े थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट निकाले ए क्रॉस बी इज आउटवर्ड। अब ध्यान से देखना, ये जो डायरेक्शन निकाले हो ये डायरेक्शन ए पे परपेंडिकुलर है, इस बी पे परपेंडिकुलर है, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिला उसका डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, इसके और इसके दोनों के साथ 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पे जो ये फोर्स वेक्टर है ये क्या है बताओ, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए ये फोर्स इस पे और इस पे दोनों पे ही परपेंडिकुलर है। एक एग्जांपल भी यहाँ पे बता दे रहे हैं, मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी साइड तो और पॉजिटिव चार्ज, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, V और B फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगता है। अब देखो खुद से ये फोर्स वेलोसिटी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और फोर्स अपवर्ड, सो फिर इसके बीच का एंगल कितना बना 90 डिग्री। सो फोर्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या हो गया इसका, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, तो V और B दोनों पे परपेंडिकुलर होना है। एक पॉइंट और देखो, अगर ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लिए हुए है, मतलब इस समय इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इस इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी इसी साइड होगा, ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बदल जाएगा, चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करके अगर ऐसे टर्न हुआ देन डिस्प्लेसमेंट एरो इस साइड आता, बट इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होता है। अगर इसकी वेलोसिटी इस साइड, इस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, यहाँ पे आके वेलोसिटी साइड, इस इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन उसी साइड है इंस्टेंट पे, तो यहाँ पे जिस साइड वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एट दैट इंस्टेंट। अब फोर्स क्या था, वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है, मान लो हमको कहते हैं कि जो फोर्स है तुम्हारा वो इस डायरेक्शन में है, तो ये फोर्स वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड सॉरी वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, तो हम लोग कहेंगे कि दिस फोर्स is also perpendicular to displacement, force displacement के भी perpendicular होगा। अब तुम work done का formula जानते हो, work done by the force is given as work done equals to F S cos theta, F dot S, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये theta होता है, this theta is angle between force vector and displacement vector, force and displacement के बीच का angle देखो यहाँ पे कितना है 90 degree, तो इसका जो work done आएगा क्योंकि एंगल 90 है तो cos 90 जीरो, सो वर्क डन विल बी जीरो,
सो सेकेंड इंपॉर्टेंट रिलेशन इसका ये है कि मैग्नेटिक फोर्स से कभी भी वर्क डन नहीं होता, ठीक है। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो, मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन नहीं होता है। थर्ड पार्ट, ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट समझ लो, दिस इज योर सेकेंड पॉइंट कह लो। थर्ड पॉइंट देखो, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, हम लोग जानते हैं वर्क डन की जो वैल्यू होती है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। डेल्टा के इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क डन की वैल्यू तो जीरो आई, ये क्या इंप्लाइज कर रहा है? जीरो इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी में चेंज मींस फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू। सो वी राइट काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहां से इसको इस साइड ले आओ, सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब अगर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है, दैट मींस हाफ एम वी स्क्वायर। सो वी राइट हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर। अब यहां पे एम फैक्टर हाफ फैक्टर कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज वी इनिशियल इक्वल्स टू वी फाइनल। तो ये वेलोसिटी नहीं होता, हाफ एम वी स्क्वायर में वी इज द स्पीड पार्ट। सो ये क्या बता रहा है? स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल इज कॉन्स्टेंट, सो स्पीड इज कॉन्स्टेंट। तो मैग्नेटिक फोर्स से कभी भी स्पीड नहीं बदलेगा। सो अगर मान लो हम एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं और यहां केवल मैग्नेटिक फील्ड है और इसको हम लोग 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किए, अब ये पार्टिकल मूव करता हुआ कहीं भी चला जाए, मान लो यहां से मूव करता हुआ इस पॉइंट पे आया, हम पूछे इस पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी, तो स्पीड विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड मैग्नेटिक फील्ड के कारण नहीं चेंज हो सकता, ठीक है। तो स्पीड केवल क्या बदलेगा? वेलोसिटी बदल जाएगा क्योंकि उसके डायरेक्शन बदलेंगे। तो मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी को तो चेंज कर सकता है बट मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को कभी भी चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये तीन पॉइंट तुम्हें याद रखने हैं। फोर्स परपेंडिकुलर है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो, एंड तीसरा स्पीड जो है मैग्नेटिक फोर्स से क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा। एक हम छोटा सा एग्जाम्पल पूछते हैं इस पे, देखो। मान लो मेरे पास ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है इन रेस्ट, रेस्ट पे चार्ज पार्टिकल है, और तुमसे कहा कि जब हम इसे किसी ऐसे स्पेस में रखते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल ए एक्सेलरेशन के साथ मूव करना स्टार्ट करता है। इसी को मिक्सअप करके लेंदी क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। तो हम ऑब्जेक्टिव में एक छोटा सा पार्ट पूछ रहे हैं, ये चार्ज पार्टिकल रेस्ट में था और इसे हम ऐसे स्पेस में रखे जहां पे रखने से इसके पास ए एक्सेलरेशन आ गया। व्हेन वी प्लेस्ड इन स्पेस देन इट एक्सिलरेट्स विथ ए नॉट एक्सिलरेशन। तो तुम्हें कह रहा है कि ये ए नॉट एक्सिलरेशन के साथ क्या करने लगा? एक्सिलरेट करने लगा। अब ऑप्शन पूछ रहा है तुमसे, देन विच फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सिलरेशन, क्वेश्चन पूछ रहा है। देन तुमसे ऑप्शन बोला, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड एंड द चौथा नन। तो क्वेश्चन ये बोला, चार्ज पार्टिकल पहले रेस्ट में था, इसको हम ऐसे स्पेस में रखे जहां पे इसके पास एक्सेलेरेशन आ गया ए नॉट। तो कह रहा है बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब इस एक्सेलेरेशन को जनरेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी बताए थे तुम्हें, अगर चार्ज रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और जो ये स्पीड है वो मैग्नेटिक फोर्स से चेंज नहीं हो सकता, तो मैग्नेटिक फोर्स कभी भी इस वी नॉट को एक्सेलेरेट नहीं कर पाएगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या करता? केवल डायरेक्शन बदलेगा। तो अगर इसके स्पीड में चेंज हो रहा है, बिकॉज एक्सेलेरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी में चेंज हो गया, एक्सेलेरेशन आ रहा है ए नॉट, तो ये एक्सेलेरेशन आएगा केवल किसके कारण? मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अभी ये छोटा सा तुम्हें एग्जाम्पल बताएं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स कैसे लगते हैं, फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का डायरेक्शन कितना होता है, फिर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड पार्ट पे आ रहे थे कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हो। तो नेक्स्ट पार्ट देखना,
अब मैग्नीट्यूड के लिए f की वैल्यू आई क्यू वी बी साइन थीटा, ये हम लोगों का फोर्स का फॉर्मूला है। अब इसमें मान लो वेलोसिटी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, चार्ज भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ये थीटा डिसाइड करेगा फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। अब इस थीटा के ना तीन केसेस हम लोगों को इंपॉर्टेंट है जो जनरली पूछा जाता है। सो पहला, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, एक इस पे एग्जांपल आएंगे। दूसरा है व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, एंड तीसरा आएगा व्हेन थीटा इज इन बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री। तो ये तीन इंपॉर्टेंट केस तुम्हें और इसके वैल्यू जो है तुम्हें याद रखने हैं। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं व्हेन थीटा इज 0 और 180। यहाँ पे थीटा है क्या? थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी वेक्टर, है ना। यहाँ पे वी क्रॉस बी की वैल्यू लिखे थे तुम, वी क्रॉस बी इसका एक्सपेंशन ऐसे किए हो, तो इस फॉर्मूले में थीटा वी और बी के बीच का एंगल है। सो यहाँ ये ध्यान रखना, थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इसके बीच का एंगल है। तो हम लोग पहला केस डिस्कस करते हैं, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री और 180 डिग्री। सो अगर थीटा तुम्हारा 0 या 180 डिग्री है तो इस केस में देखो होगा क्या। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम ऐसे ले लेते हैं और इसके अंदर तुम चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो किए, तो यहां पे क्या होगा, देखो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एरो सेम साइड है, सो द एंगल इन दिस केस इज 0 डिग्री। यहां पे एंगल 0 है। यहां पे तुम चार्ज पार्टिकल को क्या करो, इस डायरेक्शन में थ्रो करो, वेलोसिटी साइड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, एंड नाउ दिस एंगल इज 180 डिग्री। सो यहां पे थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। अब इस केस में जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे इस चार्ज पे, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लाएगा, देन फोर्स इज क्यू वी बी साइन थीटा, एंड थीटा तुम 0 रखो या 180 रखो, साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0। सो यहां पे एफ की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। अब एफ 0 होने का मतलब क्या हो गया, चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, सो ये उसी पाथ पे मूव करेगा जिस पाथ पे ये मूव कर रहा था। सो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका जो पाथ है वो सेम पाथ होगा, ऐसे ही मूव करता हुआ आगे चलता जाएगा, ये क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स के अंदर 0 है और ये इसी डायरेक्शन में। तो इस कॉम्बिनेशन के केस में चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। तो पाथ ऑफ द पार्टिकल इज स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो चार्ज पार्टिकल का पाथ होगा वो क्या होगा, इस केस में स्ट्रेट लाइन होना है। अब सेकेंड देखो, 90 डिग्री ये वाला इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पे आते हैं तुम्हारे उसमें, तो ध्यान देना सेकेंड पार्ट, इफ थीटा इज 90 डिग्री। सो अगर थीटा की वैल्यू 90 रखते हो तो हम लोग एक कंडीशन लेते हैं, मान लो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड ले लिए, और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक चार्ज को ऐसे थ्रो करते हैं वी स्पीड के साथ। अब इस इंस्टेंट पे बताओ वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, तो इट इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी, वी साइड, बी इज इनवर्ड, सो फोर्स का डायरेक्शन किधर आता, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पे फोर्स ऐसे लगा। अब इस फोर्स के कारण ये फोर्स के डायरेक्शन में क्या होगा, डेविएट होगा। तो सपोज ये फोर्स इस डायरेक्शन में डेविएट हुआ और डेविएट होने के बाद ये ऐसे मूव किया यहां तक आए। अब इस वाले पोजीशन पे आ, यहां पे तुमसे पूछे कि बताओ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन, यहां से ऐसे मूव करके इस साइड आ रहा है, तो यहां पे वेलोसिटी ऐसे है। अब देखो इस पे फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा, सो वी राइट क्यू इनटू वी क्रॉस बी अगेन, वी साइड, बी इनवर्ड, सो फोर्स का डायरेक्शन इस साइड आया। अब फोर्स ऐसे लग रहा है, और जब फोर्स ऐसे लगेगा देन अगेन इट विल डेविएट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या यहां का स्पीड और यहां का स्पीड बदलेगा, नहीं, स्पीड क्या होना है, कांस्टेंट। सो यहां अगर स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, यहां पे भी 10 ही होगा, तो अब ये फिर फोर्स के डायरेक्शन में डेविएट किया, अब यहां से ये इस डायरेक्शन में आया।
फिर इस पॉइंट पे जब तुम फोर्स का डायरेक्शन निकालोगे देन इट इज क्यू इनटू वी क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन इस साइड आएगा और इस तरह से ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। ठीक है, तो जब भी एंगल 90 डिग्री हो किस किस के बीच, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच, तो उस चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होता है। तो दूसरा केस ये तुम्हें याद रखना है, इस केस में पाथ इज सर्कुलर, तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो इस सर्कल के क्या निकालने आ सकते हैं तुम्हारे पास, सर्कल का रेडियस कितना है, चार्ज पार्टिकल कितने टाइम में ये अपने पाथ को कवर करेगा, मतलब चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड कितना है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसके, रेडियस का, टाइम पीरियड का एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का। तो उसको हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं जब एंगल 90 होता है। तो देखो सपोज ये चार्ज ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, एट दिस इंस्टेंट इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी साइड था, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग इनवर्ड लिए हुए हैं, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, और इस पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स देखो क्यू इंटू वी क्रॉस बी, फोर्स का डायरेक्शन इधर आया तो इस पे जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स वो इधर है। अब ये सर्कल में मूव कर रहा है तो अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं, स्यूडो फोर्स है ना, सो इट इज एक्टिंग आउटवर्ड एंड दैट फोर्स इज एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और ये फोर्स और ये फोर्स क्या होंगे इक्वल, सो वी राइट दिस एफ इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ की जो वैल्यू लिखोगे दैट एफ इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, सो क्यू वी बी एंड साइन 90 डिग्री यहां पे है ना, That equals to mv square by r. अब यहां से velocity factor cancels out, so the radius formula is r equals to mv divided by q into b. So ये तुम्हारा radius है इस charge particle का। Second देखो इसका time period. अब time period के लिए हम लोग जानते हैं जब ये पूरा round cover कर लेगा तो इसकी speed क्या होनी है, constant. So we use the formula speed equals to distance upon time. So also speed is equals to distance divided by time taken. अब speed की वैल्यू तो v है, distance देखो कितना हुआ, एक पूरे सर्कल में जो डिस्टेंस कवर करेगा ये 2 pi r divided by time is the t. So we get time t is equals to 2 pi r divided by v आया, and this is 2 pi divided by v multiplied by, what is the radius? Radius is mv upon qb. So we write mv upon q times the magnetic field. Ab ye velocity cancels out. So 2 pi m upon qb is the time period. So ye charge particle ka time period hai. Ab time period mein tumhe do cheeze important iske dhyan rakhni hai. Sabse pehla ki time period is speed pe depend nahi kiya. Dekho. ये v वाला जो पार्ट है वो कैंसिल हो रहा है, सो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द स्पीड एंड द रेडियस ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पीड एंड रेडियस of charge particle. ठीक है, तो स्पीड एंड रेडियस पे ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ये स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है देखो, पहले अगर कोई चार्ज सपोज मेरे पास मूव कर रहा है सेम मैग्नेटिक फील्ड में 2 meter per second से, अब ये इतने बड़े रेडियस में मूव किया, ठीक है, और इसमें पूरे सर्कल को कवर करने में इसके पास मान लो t1 second लगता है या 5 second में मान लो ये पूरा सर्कल कवर कर लेता है। अब हम स्पीड को इंक्रीज कर दिए, अब 2 से हम स्पीड कितना कर लेते हैं, लेट 10 meter per second। अब जब स्पीड को 2 से 10 करोगे तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज द रेडियस इज एम वी अपॉन के वी, रेडियस एंड वेलोसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वेलोसिटी बढ़ाने से स्पीड बढ़ा, रेडियस बढ़ा,
और रेडियस बढ़ा तो इसका जो रेडियस बढ़ेगा वो पहले वाले से ज्यादा रेडियस में मूव किया। और यहां का टाइम पीरियड मान लो कितना आता है टी टू, देन दीज टू टाइम पीरियड्स विल बी इक्वल। सो यहाँ पे दोनों टाइम पीरियड टी वन एंड टी टू जो है वो क्या होंगे सेम। यहाँ पे अगर 5 सेकेंड लगा यहाँ पे भी 5 ही सेकेंड लगना है ना, बिकॉज इट इज डिपेंड्स ओनली ऑन द मास चार्ज एंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड में तुम थ्रो कर रहे हो, सो ये सारे फैक्टर वहां पे सेम है, तो दोनों में सेम टाइम लगना है। तो दूसरा टाइम पीरियड हो गया। अब तीसरा जो था दैट इज योर ओमेगा। सो ओमेगा को हम लोग ऐसे फाइंड कर लेते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टाइम पीरियड। ओमेगा इज थीटा बाई टी, थीटा जब 2 पाई होगा तो टाइम को टाइम पीरियड बोलोगे। सो यहां से 2 पाई एंड द टाइम पीरियड वैल्यू इज 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, सो वी राइट 2 पाई एम एंड क्यू बी फैक्टर ऊपर आ गया। सो 2 पाई 2 पाई कैंसिल एंड वी गेट ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। ये हम लोगों का एंगुलर फ्रिक्वेंसी है। तो जब एंगल 90 डिग्री होता है तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है तुम्हारे रिलेशन है। इसको हम एक जगह समराइज करके लिख रहे हैं, देखो, व्हेन ए चार्ज इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड देन द फर्स्ट फॉर्मूला इज टी इक्वल्स टू 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। सेकेंड फॉर्मूला आया टाइम पीरियड देन रेडियस इज इक्वल्स टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। थर्ड फॉर्मूला हम लोग पढ़े ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, सो दिस इज क्यू बी डिवाइडेड बाई एम। ये तीन फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, अब ये तो था जब चार्ज पार्टिकल कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। अब सपोज ऐसे सिचुएशन तुम्हें दिया हुआ है जिसमें चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से एंटर कर रहा है ना, मतलब सपोज इस लेवल के नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है और इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है। अब तुम चार्ज पार्टिकल को इसमें बाहर से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हो, और अभी जो केसेस पड़े हैं वो क्या है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ हुआ। जब चार्ज पार्टिकल बाहर से एंटर करता है उसको हम एक सिचुएशन को पहले यहां बताते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स में कवर करेंगे इसे। सपोज ये स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो 0 है, बट इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस लाइन के ऊपर इनवर्ड है क्रॉस। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। यहां किसी इलेक्ट्रॉन को, अब हम पॉजिटिव चार्ज नहीं ले रहे हैं, मान लो हम एक इलेक्ट्रॉन लिए और इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे मूव करवाएं एंड दिस वेलोसिटी इज वी, और इस वी वेलोसिटी के साथ ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने जा रहा है एट सम एंगल। सपोज दिस एंगल इज थीटा 1, सो दिस एंगल इज थीटा 1, थीटा 1 एंगल पे ये एंटर किया। अब तुमसे कहा कि इस चार्ज पार्टिकल का ना पहले मुझे पाथ बताओ, पाथ कैसा होगा। तो तुम्हें इस थीटा 1 से मतलब नहीं है कि सर ये थीटा 1 तो 90 डिग्री है ही नहीं तो फिर सर्कुलर कैसे होगा। किसी भी एंगल को नहीं देखना है तुम्हें, किस एंगल की वैल्यू हम 90 चेक करने बोल रहे हैं, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। सो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो किधर है, इस साइड, ऐसे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी वेलोसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, अंदर की ओर, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री है ना, एक अंदर की ओर है और एक ऐसे, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री। इसलिए ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। अब इस सर्कुलर पाथ कैसा होगा, ये जब सर्कल मूव करना स्टार्ट किया तो इस साइड वाला सर्कल होगा या ऐसे सर्कल होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, फोर्स किधर है। इसलिए हम फोर्स का डायरेक्शन बताएं, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट या डेविएशन उसी डायरेक्शन में होना है। तो अब यहां पे तुम फोर्स का पहले डायरेक्शन निकालो, क्यू इंटू वी क्रॉस बी से। वेलोसिटी ऐसे, बी का डायरेक्शन अंदर है तो मेरा ये थंब इनवर्ड होना चाहिए, सो वी क्रॉस बी। पाम का डायरेक्शन इस साइड आया जब ये प्लस होता, बट ये है क्या, निगेटिव। तो जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स निकाले उसके अपोजिट साइड जो है वो फोर्स का डायरेक्शन रहेगा। तो इस फोर्स के अपोजिट इधर की ओर, तो इस चार्ज पार्टिकल पे इस साइड फोर्स लगा, और इधर फोर्स लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल फोर्स के डायरेक्शन में डेविएट होता। अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे डेविएट करके सर्कुलर पाथ कवर किया, और सर्कल में मूव करते हुए जैसे ही ये इस पॉइंट पे पहुंचा, इसके बाद ये सर्कुलर पाथ को फिर छोड़ देगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक फोर्स लगा रहा है, कि
केवल इसी रीजन में ना, जैसे ही इस पॉइंट से बाहर आएगा मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब इस पॉइंट के बाद फिर ये इसी डायरेक्शन में मूव करता हुआ आगे चला जाता। लेट दिस एंगल इज थीटा टू। सो चार्ज पार्टिकल थीटा वन एंगल पे एंटर किया और थीटा टू एंगल पे क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो हमें ये निकालना है कि थीटा वन एंड थीटा टू में क्या रिलेशन है। सो सिंपल, इसको छोटे से ज्योमेट्री से हम लोग समझ सकते हैं। ध्यान से देखना, इस समय फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लग रहा है ना, वेलोसिटी अभी बताए थे, मैग्नीट्यूड पार्ट सेम रहना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है। अब इस पे जब तुम इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, ये लाइन इस सर्कल के सेंटर से पास करेगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी ये वेलोसिटी का डायरेक्शन इस पे परपेंडिकुलर, यानी ये टेंजेंट टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, तो ये भी सेंटर से पास करता। अब ये दोनों मान लो यहां पे कट किए, देन दिस पॉइंट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाथ। कंप्लीट सर्कल नहीं है, केवल सर्कल इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में है, ये सर्कुलर पाथ है, और इसके पहले और इसके बाद का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन था। तो ये सर्कुलर पाथ हुआ जिसमें ये चीज रेडियस है और ये पार्ट भी तुम्हारा क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियस हुए। यहां पे ये एंगल थीटा, तो ये एंगल देखो कितना होगा, ये थीटा, दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, दिस टोटल एंगल इज 90 से थीटा वन को माइनस करोगे, ये एंगल आएगा 90 माइनस थीटा वन। अब ये वाला लाइन भी देखो, ये टोटल एंगल कितना है 90, है ना, दिखा दे रहे हैं इसे, ये वाला एंगल भी कितना है 90, और ये एंगल निकाले 90 माइनस थीटा। तो हम इस 90 से जब इस 90 माइनस थीटा को माइनस करेंगे तो कितना आएगा थीटा, सो दिस एंगल विल बिकम थीटा वन। छोटा सा ज्योमेट्री लगाओ, ये वाला एंगल जो था वो 90 माइनस थीटा वन है, और ये टोटल एंगल जो है 90, सो 90 से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल मिलेगा, सो 90 से इस एंगल को माइनस किए, सो दिस गिव्स यू थीटा वन, तो ये थीटा वन आया। सेम वे में ये अगर थीटा टू है, ये 90 माइनस थीटा टू, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा थीटा टू के इक्वल, जैसे इधर निकाले वैसे यहाँ पे। अब ये तुम्हारा ट्रायंगल क्या था, दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल, इसके ये साइड और ये साइड सेम है, तो इसके बेस के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अब बेस का एंगल क्या है, एक जगह थीटा है और एक जगह थीटा वन है, सो थीटा विल बी इक्वल टू थीटा वन, सो थीटा वन एंड थीटा टू आर इक्वल। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के बाहर से एंटर करता है, उसका पाथ सर्कुलर तो होगा, लेकिन जिस एंगल पे वो अंदर जा रहा है उसे ही एंगल पे क्या होगा, वो वापस आता है। जैसे मान लो हम तुमसे बोले ये स्ट्रेट लाइन है, यहां पे चार्ज पार्टिकल को तुम ऐसे थ्रो किए, मान लो ऐसे थ्रो किए वी मैग्नेटिक फील्ड, चलो हम क्रॉस ही ले लेते हैं। अब ये चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगता, वी क्रॉस बी, फोर्स इस साइड लगेगा, तो ये चार्ज यहां आने के बाद ऐसे सर्कुलर में मूव करेगा, और कितने एंगल पे ये एंटर कर रहा था 90, सो ये भी 90 डिग्री के एंगल पे ही यहां से क्या आता, रिटर्न आता, सो 90 पे इन किया और 90 पे ही ये बाहर आएगा, एंड दिस इज द रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, सो दिस इज द मोशन ऑफ चार्ज व्हेन इट इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखना इसका। अब हम लोग जब थीटा, एक सेकेंड, हम लोग देखते हैं जब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 और 90 के बीच। तीसरा केस देखो, If theta is in between 0 and 90 degree. तो जब theta 0 और 90 के बीच में, तो इस कंडीशन को हम यहाँ पे लेते हैं, कैसा कंडीशन जिसमें ये वैल्यू आए। सो सपोज मान लो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और चार्ज पार्टिकल को तुम ऐसे थ्रो किए v वेलोसिटी के साथ एट सम एंगल थीटा। ठीक है, नाउ दिस वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, इनके बीच का जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में है। हम इसको करते क्या है ना, सबसे पहले तुम इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर लो, ये जो वेलोसिटी वेक्टर है इसको रिजॉल्व करो। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा और एक कंपोनेंट इस साइड आना है ना, ये वाला जो पार्ट है दिस विल बी द कॉस एंड दिस इज द साइन, सो दिस कंपोनेंट, इसका वी का ये कंपोनेंट वी कॉस थीटा, एंड इस वी का ये कंपोनेंट वी साइन थीटा, ये हम लोगों के पास वैल्यू है। अब तुम इसे रीअरेंज करो, मतलब सेपरेटली हम दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, प्लस दूसरा कंडीशन में भी मैग्नेटिक फील्ड, और इस वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट को सेपरेटली दिखाओ, मींस
ये वाला कंपोनेंट यहां पे दिखा रहे हैं, दिस इज योर वी कॉस थीटा, एंड इसका ये जो दूसरा कंपोनेंट है दिस इज योर वी साइन थीटा, ठीक है, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा। अब इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये वेलोसिटी का दोनों पार्ट तुम्हें मिल जाएगा। अब इससे फायदा क्या होगा, देखो यहां पे जो वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे, जब V और B सेम डायरेक्शन में होते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। सो मैग्नेटिक फोर्स इन दैट केस इज जीरो और इसका जो पाथ होगा वो स्ट्रेट लाइन। सो इस कॉम्बिनेशन के कारण पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन आना है, पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली इस वाले कंडीशन को देखो, यहां पे पाथ कैसा होगा, तो इस केस में वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल कितना है 90, और 90 होने के कारण दिस विल परफॉर्म द सर्कुलर पाथ। सो दिस कॉम्बिनेशन विल गिव यू सर्कुलर पाथ। तो इस कॉम्बिनेशन के कारण स्ट्रेट लाइन आया, इस कॉम्बिनेशन के कारण क्या आया, सर्कुलर। जब ये दोनों कंबाइन करोगे तभी ये सिचुएशन है। तो यहां पे क्या था, चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में और ये चार्ज पार्टिकल सर्कल में। तो अब देखो पहले क्या होता, अगर चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता तो केवल ऐसे जाते, चार्ज पार्टिकल केवल सर्कल में मूव करता तो ऐसे आता, लेकिन अब इसको सर्कल मूव करते हुए आगे भी जाना है, तो सर्कल मूव करते हुए यहां आता अगर आगे नहीं जा रहा है, बट अब सर्कल भी मूव कर रहा है आगे भी मूव किया, फिर सर्कल भी मूव करेगा आगे भी जाएगा, फिर सर्कल मूव किया आगे भी जाएगा, तो ये एक स्प्रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बना जिसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल पाथ। सो दीज टू कॉम्बिनेशन विल गिव यू हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ। सो इस केस में चार्ज पार्टिकल जो है वो हेलिक्स में मूव करेगा और इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं पिच डिस्टेंस, दिस इज नोन एज पिच डिस्टेंस। तो पिच डिस्टेंस अगर डिफाइन करने बोले तो कैसे डिफाइन करोगे, इट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द चार्ज पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में वन टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस जाएगा दैट डिस्टेंस इज नोन एज पिच डिस्टेंस, ठीक है। तो चलो हम आज यहीं तक वाइंड अप करते हैं, आज हम लोग ये जो है चार्ज पार्टिकल के सारे कॉम्बिनेशन मतलब फोर्स का वैल्यू क्या होगा अलग अलग एंगल्स पे वो बताएं, फिर उसके बाद हम उसके डायरेक्शंस में यानी फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा वो पार्ट एक्सप्लेन किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में इससे हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, थैंक यू।